तो आज मैं बताने जा रही हूँ इस चमत्कारी ब्लीच का राज, इस ब्लीच का रिव्यू, और आफ्टर ब्लीच आपके हस्बैंड भी हो जाएंगे दंग देख के आपका रंग। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं अफसाना, और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ D10 ब्लीच मेलाडोन विटामिन सी जेल के बारे में बताऊंगी आज मैं कि किस तरह से D10 ब्लीच यूज़ करते हैं। तो और ये O3 का ही ब्लीच है, O3 का प्रोफेशनल ब्लीच। तो गाइज आप देख सकते हैं इसके बगल में ही D10 लिखा हुआ है, जो कि इंस्टेंट आपको स्किन ब्राइटनिंग देगा, फिर एंटी ऑक्सीजन ग्लो देगा। गाइज इसमें ये सब मेंशन है, इवन स्किन देगा, साथ में आपको इसमें एक मेलाडर्म क्रीम मिलेगा। सो ये इसकी आउटर पैकेजिंग है। मैंने इसे अभी ही परचेज़ किया है, O3 का है, जो कि मैंने ना कभी भी विटामिन सी वाला ब्लीच ट्राई नहीं किया था। तो देखते हैं ये क्या रिज़ल्ट देता है, और ये एनिमल टेस्टेड है, इसमें सब कुछ मेंशन है कि किस तरीके से यूज़ करना है। इसमें वार्निंग भी लिखी हुई है, डायरेक्शन भी लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स भी लिखे हुए हैं, और ये ऑल स्किन टाइप्स है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन्स है, तो आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए गाइस अब मैं इसकी इनर पैकेजिंग भी दिखाती हूँ आपको कि इसमें क्या क्या आता है, किस तरीके से दिया होता है इस बॉक्स के अंदर प्रोडक्ट। तो मैं दिखा दूँ, यहाँ पे ये एक प्लेट दिया गया है जिस पर हम अपने प्रोडक्ट को मिक्स करके लगा सके। ये एक स्पून है और एक्टिवेटर है, तो आप देख ही सकते हैं इसकी पैकेजिंग किस तरीके से की गई है। इसमें आपको दो डिब्बी और दिख जाएगी, इसमें से छोटी वाली जो डिब्बी है इसमें आएगा आपका मेलाडर्म क्रीम, और इसे हम ब्लीच से पहले लगाते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी लास्ट डिब्बी, ये बड़ी सी, जिसमें हमारा जेल बेस ब्लीच है इसमें। और गाइस एक ब्रश की नीड पड़ेगी हमें एप्लीकेशन के लिए, ब्लीच एप्लीकेशन के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने फेस पे क्लींजिंग करेंगे। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सेटाफिल। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ब्लीच से पहले क्लीन करना, अपने फेस को क्लीन करना अच्छी तरह से, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है बिफोर ब्लीच, क्योंकि ब्लीच का काम ही ये होता है। कोई सा भी ब्लीच ले लो आप, जेल बेस ब्लीच या क्रीम बेस ब्लीच ले लो आप, कोई सा भी ब्लीच, ये वर्क करता है कि जो भी आपके फेस पर हेयर होते हैं, ब्लैक हेयर होते हैं, उसको ब्राउन करता है बेसिकली वो। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फेस पर मसाज करूँगी। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है, अब मैं वेट टिश्यू की हेल्प से अच्छी तरह से फेस को वाइप करूँगी, जितने भी डस्ट थे उसको क्लीन करूँगी। तो गाइस क्लिनजिंग होने के बाद अगर आपकी स्किन ड्राई ड्राई सी लग रही है, तो ये मेलाडर्म क्रीम को अच्छी तरह से स्किन पर अप्लाई कर लो आप लोग। सो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होगे कि ये ब्लीच ऑयली स्किन वालों को सूट करेगा या नहीं। तो मैं बता दूं कि ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए ही बना है, तो ये ऑल स्किन टाइप को सूट करेगा। तो गाइज आपको बस टेक्निक जानना है कि कैसे करना है आपको ब्लीच, कैसे अप्लाई करना है। तो गाइज मैंने यहाँ पर मेलाडर्म क्रीम लगा लिया है, इसमें पता है आपको भरपूर एंटी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, और मेलाडर्म क्रीम की वजह से ही ये ब्लीच से हमें ब्राइटन और लाइटन स्किन मिलेगी। तो प्री क्रीम मीन्स मेलाडर्म अप्लाई करने के बाद हम ब्लीच अप्लाई करेंगे। सो गाइज यहाँ पर विंटर का एंड चल रहा है शायद, इसलिए इतना थिक कंसिस्टेंसी है इसकी, वरना बिल्कुल वाटरी कंसिस्टेंसी रहती है ब्लीच जेल की। तो मैं अपने फेस के लिए 2 टेबल स्पून ले रही हूँ, और आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा थिकनेस है इसके अंदर, इतना ज़्यादा थिक है इसकी कंसिस्टेंसी।
सो गाइज, अगला स्टेप हमारा इसमें एक्टिवेटर को ऐड करना है। तो अगर आप 2 स्पून लिक्विड का ले रहे हैं तो आपको 4 चुटकी एक्टिवेटर डालना है, यानी कि आपको जो रेशियो रखना है इसका वो रहेगा हमारा 1/3, जो कि बिल्कुल परफेक्ट इसका रेशियो रहेगा। इसका प्लीज़ ध्यान रखना कि 4 से 5 चुटकी से ज़्यादा प्लीज़ एक्टिवेटर मत डालना, इससे स्किन में रैशेस या स्किन बर्न हो सकती है और जो हमारे फेस पर हेयर होते हैं वो ज़्यादा लाइट ब्राउन हो जाएंगे, जिससे फेस अच्छा नहीं लगेगा। सो फ्रेंड्स, इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके की थ्योरी बताई है, जो कि आपको शायद कोई नहीं बताएगा, मैंने आपको बता दिया है। नाउ आपको ब्लीच अप्लाई करना है। प्लीज़ मेक श्योर कि आपके फेस हेयर के अपोजिट डायरेक्शन में ही अप्लाई करें आप अपने फेस पर ब्लीच, और आईज से प्लीज़ दूरी बनाकर अप्लाई करना है। और इट्स नॉर्मल इफ़ आपके आँखों में पानी आता है, क्योंकि मेरी भी आँखों में बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है जब मैं ब्लीच अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन भी बहुत सेंसिटिव है और मुझे ये ईचिंग भी होती है जब मैं ब्लीच अप्लाई करती हूँ। और गाइज, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ईचिंग हो रही है तो प्लीज़ आप 8 से 10 मिनट तक ही ब्लीच को रखोगे, और आप मैक्सिमम 15 मिनट तक ही अपने फेस पर ब्लीच को रख सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं अपर लिप्स पर या फॉरहेड पर, तो ये O3 का ब्लीच उन हेयर पर वर्क नहीं करेगा अच्छी तरह से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हमें यहाँ पर ब्लीच अच्छी तरह से ऑल ओवर फेस पर अप्लाई करना है। सो मेक श्योर आपकी ब्रोज और आईज़ के आसपास ना लगा हो, क्योंकि इससे फिर आपके आईज़ में ईचिंग हो सकती है, पानी आ सकता है। अब यहाँ पे मैं 12 से 15 मिनट तक इसको छोड़ दूँगी। तो गाइज़, यहाँ पे मुझे 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब मैं अपने फेस क्रीम को सर्कुलेशन मोशन में मिलाऊँगी, इससे ब्लीच बहुत ही अच्छा काम करता है। इसलिए हमें सेमी ड्राई जब हमारा हाफ टाइम हो जाता है तो हमें सर्कुलेशन मोशन में इस क्रीम को मिलाना चाहिए। तो इससे क्या होगा ना गाइज, कि जो भी फेस पर मैंने ब्लीच लगाई है वो बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। तो गाइज, मुझे यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और मेरी आँखों में से कंटिन्यूसली पानी आ रहा था, क्योंकि आँखों में हल्की सी जलन सी महसूस हो रही थी। गाइज प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, 12 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है आपको ब्लीच। गाइज यहाँ पर देखो कितना ड्राई हो चुका है, सूख चुका है ये पूरा क्रीम। तो यहाँ पर मैं वाटर लूँगी और स्प्रे करूँगी, और जो ब्लीच लगी हुई है उसको हल्का सा मसाज देकर, तो थोड़ी देर यहाँ पर मसाज दूंगी मैं अपने फेस पर, ताकि क्रीम को मैं वाइप ऑफ कर सकूं। गाइस यहाँ पर मेरे को मसाज करते करते मेरे मुंह में क्रीम चली गई थी। यू सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमें एक वेट टिश्यू लेना है और अच्छी तरह से और सॉफ्टली हैंड से हमें वाइप ऑफ करना होगा। और गाइस, जैसा इस ब्लीच में मेंशन था कि स्किन लाइटन एंड ब्राइटन,
कर देगा ये ब्लीच, क्योंकि ये मेलाडर्म में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है, जिसकी वजह से स्किन में रेडियंट ग्लो दिखने को मिल जाता है इस ब्लीच से। गाइज आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना आपको मेरे फेस पर डिफरेंस दिख रहा है या नहीं। सो गाइज मैंने ब्लीच को वाइप ऑफ कर लिया है, और वाइप ऑफ करने के तुरंत बाद ही आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई सी लग रही है। तो आपको क्या करना है, कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लेना है जो आप यूज़ करते हो। मैं यहाँ पर बायोटिक का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, जो मैं डेली बेस पे यूज़ करती हूँ। तो ये वाला स्टेप जो है वो ड्राई स्किन वालों के लिए है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप करो। अगर आपकी स्किन पे ड्राइनेस आ गई है ब्लीच के बाद, तो आप प्लीज़ मॉइस्चराइज़र वाला स्टेप ज़रूर करना। तो मैं यहाँ पर 3 से 5 मिनट के लिए हल्का सा फेस पर मसाज दूंगी मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद। इससे क्या होगा ना कि आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी, और जो ब्लीच की वजह से ड्राइनेस आपके फेस पर आ रही थी, ड्राई स्किन दिख रही थी, वो ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी, वो नहीं रहेगी। तो गाइस ये ऑल स्किन टाइप ब्लीच है, इसमें विटामिन सी है, और विटामिन सी में तो भरपूर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। अगर आप ब्राइट टू बी है तो प्लीज़ इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा, और O3 का ही ब्लीच करवाइएगा अगली बार। सो हे गाइस, हियर इज द फाइनल लुक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत बेनिफिशियल ब्लीच है, तो इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। मैंने भी कभी इतना महंगा ब्लीच, इतना महंगा प्रोडक्ट कभी नहीं ट्राई किया है। तो मेरे लिए तो बहुत ही, हम मिडिल क्लास वालों के लिए तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में होता है ये ब्लीच। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। इस बार मैं बता दूं कि मैंने आपको बताया था ना कि जिसकी ड्राई स्किन हो उसको मॉइस्चराइज़र ज़रूर करना है ब्लीच के बाद, और ऑयली स्किन वाले मॉइस्चराइज़र वाले स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो करें। और ड्राई स्किन वाले प्लीज़ मस्ट है उनके लिए, आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। 24 आवर्स तक आप फेस वॉश या कोई सोप यूज़ ना करें अपने फेस पर। सो हियर इज़ द फाइनल लुक। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस बेस पे चाहिए, किसके रिगार्डिंग चाहिए, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय।